आदाब, एस न्यूज को आपका स्वागत है। आज शहर में नसीब इतिहास ग्रुप के तरफ से सारे शहर में तकरीबन 40 दिन से लगातार जो गरीबों को खाना और जो उनका जो जरूरतमंद की चीजें जो बांटा जा रहा है, आज वो आप लाइव में देखिए। मारो विजुअल बोलिए सब, आपका परिचय आज के तारीख पे इतना बड़ा जो कर रहे कदम उठा रहे आप लोग, जो कैसा कैसा आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर अहमद है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन नसीब इत्तेहाद ग्रुप है, रियल एस्टेट कंपनी हमारी। ये हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। इसमें जो जब से ये 22 मार्च से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, जब से रेशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास फर्स्ट डे हम लोग 22 को डिस्ट्रीब्यूट करे थे। उसके डेली हम लोग स्टार्टिंग में करीब 1500 रेशन किट्स दिए थे। उसके बाद में जब से रमजान स्टार्ट हुआ, जब से 1500 डेली फूड मील्स बना के हम लोग ऐसा गरीबों में, हमारे जो दत्तात्रेय नगर हमारा एरिया है गोशामेल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता, वो वहाँ पर हम लोग पूरे तकरीबन 250-300 फैमिलीज को डेली हम लोग जो है ना ये टाइम पे खाना फूड मील्स दे रहे हैं। प्लस जो है ना एडिशन में क्या है, ये जैसे हॉस्पिटल से कल हम लोग गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास, आयुष्मान हॉस्पिटल के पास, नीलोफर कैंसर हॉस्पिटल के पास, और जो है ना नामपली एकनार मस्जिद के पास, हम तकरीबन जगहों पे ऐसा भी जाके डेली 300 पैकेट्स ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1200 पैकेट्स जो है हमारे सोसाइटी में जो गरीब गरीब लोग हैं, जो जिसके पास खाने के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो है ना वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कब तक चला लॉकडाउन? ये अभी तो हमारा ये रमजान का प्रोग्राम था डेली फूड मील्स का, ये 30th रमजान में ये क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद रेशन किट्स का जो हमारा प्लान था वही कंटिन्यू रहेगा, जब तक लॉकडाउन रहेगा हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे हर जैसे तरीके से। ईद के लिए अभी हम लोग जो है 1000 फैमिलीज के लिए जो है ना शुरपुर में का पूरा किट बना के जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे एरियाज में, और ऐसे भी बाहर भी कहीं जो रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, जो कॉल्स आ रहे हैं उनको भी हम लोग रिस्पॉन्ड करके उनको भी पहुंचा रहे हैं। वो जैसे गूगल पे के थ्रू है, पेटीएम के थ्रू है, उनको भी जो मिर्चल से भी हमारे कॉल्स आए थे, संगारेड्डी से आए थे, जहीराबाद से आए थे, तकरीबन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट से आए, वहाँ से लोग कॉल्स करे तो वहाँ से भी हम लोग मदद पहुँचा रहे जितना हो सकता है हमारी जात से, जितना भी हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं पहुँचा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर जो है 9963289846 से मेरा नंबर है। अगर किसी भी जरूरतमंद लोगों को अगर राशन की कमी है या कोई चीज़ की जरूरत है तो हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा फिर से एक बार मैं नंबर दोहराता हूँ, 9963289846 मेरा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी रब कर पैदा कर बात कर सकते हैं मेरे साथ, इंशाल्लाह हमसे जो कोशिश हो सके, अगर जो कुछ भी हमसे मदद हो सकती है इंशाल्लाह हम करेंगे। थैंक यू सर। ओके, देखते रहिए एस न्यूज इंडिया टीवी, आपकी दिल की बात हमारे चैनल के साथ।